हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब के अंदर कौन कौन से ग्रुप हैं और इनके क्या कमांड्स हैं और इनको हम लोग सबसे बेस्ट वे में कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इंसर्ट टैब के अंदर जो सबसे पहला ग्रुप हम लोगों को मिलता है लेफ्ट साइड में, वो है पेजेस का। जैसे ग्रुप का नाम है पेजेस, यानी कि इसमें पेज से रिलेटेड जितने भी कमांड्स हैं वो दिए हुए हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो है कवर पेज का। कवर पेज क्या होता है? कवर पेज, जब भी हम लोग कोई डॉक्यूमेंट डिजाइन करते हैं या डॉक्यूमेंट बनाते हैं या हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसको कवर पेज बोलते हैं। और कवर पेज को हम लोग को थोड़ा सा अच्छे से डिजाइन करना होता है, ताकि जैसे कि कहावत भी है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो हम लोगों को कवर पेज को हमेशा बढ़िया से बढ़िया डिजाइन करना होता है। उसके लिए वर्ड में पहले से कुछ प्री मेड कवर पेजेस दिए हुए हैं। आप जैसे ही कवर पेज पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ कवर पेजेस आपको दिखाई देंगे। आप किसी भी एक कवर पेज पर आप क्लिक करोगे तो वो कवर पेज आपका यहाँ पर आ जाएगा। आप जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा हुआ है, तो आप डॉक्यूमेंट टाइटल को यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। अभी देखिए फर्स्ट पेज आपका एक कवर पेज आ गया है और इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। आप एडिट करके आपका जो भी डॉक्यूमेंट का नाम है, जैसे मैं लिख देता हूँ अभी कंप्यूटर क्लास मेरे इस कवर पेज का जो है उसमें जो टाइटल है वो कंप्यूटर क्लास, और ऐसे करके हम लोग जो भी है वो हम लोग आगे इसमें लिख सकते हैं। ऐसे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं कवर पेज को। उसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाता है वो है ब्लैंक पेज का। ये ब्लैंक पेज क्या करता है? आप अगर ब्लैंक पेज पर क्लिक करोगे, आप जैसे ही ब्लैंक पेज पर क्लिक करोगे तो आपका जो जितना भी पेज आप पहले से ले चुके हो उसके नीचे एक और ब्लैंक पेज आएगा। जैसे मेरे इस डॉक्यूमेंट में पहले से दो पेज था, तो और एक पेज यहाँ पर ऐड हो गया। पेज कितने हैं डॉक्यूमेंट में, ये स्टेटस बार में अपने को दिखता है। जैसे पेज 1 out of 3, अभी 3 में से पहला पेज पर है हम लोग। इसी तरह हम लोगों को बाकी कभी, अब जैसे और एक बार मैं ब्लैंक पेज पर अभी क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अब देखिए पेज 4 out of 4, यानी कि अभी चौथे पेज पर हम लोग आ भी गए और यहाँ पर और एक पेज ऐड भी हो गया, यानी कि पहले 3 पेज था अभी 4 पेज ऐड हो गया चौथा। नेक्स्ट ऑप्शन जो अपने को मिल जाता है वो है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? पेज ब्रेक का मतलब, ऐसे तो नॉर्मली पेज ब्रेक का मतलब होता है कि पेज को ब्रेक कर देना या पेज को काट देना, लेकिन ये हम लोग के पेज को यह ब्रेक नहीं करेगा, ये हम लोग के डॉक्यूमेंट को ब्रेक कर देगा। जो भी उसके अंदर कंटेंट है उसको ब्रेक कर देगा। जैसे कि अभी हम लोग एक डॉक्यूमेंट लेके आते हैं यहाँ पर, जिसको हम पहले भी आपको बता चुके हैं पहले के वीडियोस में कि आपको ये फॉर्मूला टाइप करना है, RAND और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके बाद आपको ऐसा जो भी वर्ड में पहले से जो आपका ये 5 पैराग्राफ होते हैं वो आ जाएंगे। हम लोग पैराग्राफ बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये अभी पेज ब्रेक ये क्या होगा, ये कैसे यूज करेंगे? मान लीजिए अब हम लोग अपना कर्सर को यहाँ पर प्लेस करते हैं, ये सेकंड वाले पैराग्राफ में, थोड़ा सा जूम करके सेकंड वाले पैराग्राफ में हम लोग यहाँ पर प्लेस करते हैं, और अब हम पेज ब्रेक पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम पेज ब्रेक पर क्लिक किए तो अभी क्या हुआ कि वहाँ जहाँ हम लोगों का कर्सर था वहाँ से हम लोग का पैराग्राफ ब्रेक हो गया, वो दूसरे वाले पेज पर चला गया। पहले वाले पेज पर सिर्फ वही पैराग्राफ रहा जो अपने हम लोगों का कर्सर के ऊपर था, और कर्सर के नीचे जितना भी कंटेंट था वो दूसरे वाले पैराग्राफ में आ गया, दूसरे वाले पेज में आ गया, सॉरी। तो ऐसे हम लोग पेज ग्रुप को यूज करते हैं और इस ये तीनों कमांड्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप मिल जाता है वो है हम लोगों का टेबल्स का। अब ये टेबल्स जो ग्रुप है ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है और बहुत काम भी आता है। सबसे पहले हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं कंट्रोल एन के साथ। चलिए न्यू डॉक्यूमेंट हम लोग ले लिए हैं और थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं इसको। उसके बाद इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद ये टेबल्स, टेबल्स ग्रुप के अंदर आप जब क्लिक करोगे तो आपको इंसर्ट टेबल यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। तो इंसर्ट टेबल में आपको ये सेल्स दिखाई देंगे, जिसमें कि ये जो है ये आपका अभी आप जो हाईलाइट हो रहा है ये आपका कॉलम्स को दर्शाता है और इधर नंबर ऑफ रोज को। अभी जैसे मैंने 2 रो और 9 कॉलम का एक टेबल ऐसा कुछ सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करना कुछ नहीं है, बस पॉइंटर को रखना है और ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो वो आपका टेबल बन के रेडी हो जाएगा, और टेबल को हम लोग ऐसे भी मतलब बना सकते हैं। या फिर दूसरा जो तरीका है टेबल को हम लोग हटाएंगे कैसे, हटाने के लिए ना आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक करने के बाद आपको डिलीट टेबल का ऑप्शन मिलता है। आप डिलीट टेबल पर क्लिक करोगे तो आपका ये टेबल डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर से देखते हैं टेबल के अंदर और भी हैं। सेकेंड जो ऑप्शन मिलता है वो है इंसर्ट टेबल का। इंसर्ट टेबल में आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉलम और रो डाल सकते हैं, यानी कि मान लीजिए हम लोगों को एक टेबल बनाना है जिसके लिए नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे वो मान लीजिए 4 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे और रोज जो होंगे वो मान लीजिए 10,
नंबर ऑफ कॉलम हम लोगों ने डाल दिया 4 और नंबर ऑफ रोज 10। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर है ऑटो फिट बिहेवियर। इसके नीचे देखिएगा तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर फिक्स्ड कॉलम विड्थ और उसके बाद ऑटो फिट टू कंटेंट्स और ऑटो फिट टू विंडो। ये फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मतलब क्या कि जितना भी टेबल के अंदर जितने भी सेल्स बनेंगे कॉलम के और कॉलम का जो विड्थ होगा वो क्या होगा फिक्स हो जाएगा, यानी कि सब बराबर होगा। और ये ऑटो फिट कंटेंट्स क्या होगा और मतलब जो भी कंटेंट रहेगा उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। और ये ऑटो फिट विंडो इसका मतलब क्या, ऑटो फिट विंडो का मतलब कि आप जो भी मार्जिन सेट किए हैं उसके अंदर वो टेबल बनेगा। तो फिलहाल हम लोग ये पहला वाला ऑप्शन जो सिलेक्टेड है वही रहने देते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। तो ऐसा कुछ टेबल हम लोगों का यहाँ पर आ गया। आप लोगों को ये तो पता होगा कि इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, ये 4 कॉलम है यहाँ पर और बाकी ये नंबर ऑफ रोज, ये इसको हम लोग रो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से अगर आपको टेबल को हटाना है तो आप टेबल को यहाँ से हटा भी सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। या तो आप कीबोर्ड से बैकस्पेस की दबाइए या फिर आप वही राइट क्लिक करके आप डिलीट टेबल पर क्लिक कीजिएगा तो भी वो डिलीट हो जाएगा। अब हम लोग कुछ टेबल बना के देखते हैं और उसके बाद उसमें कुछ ऐड करके देखते हैं। तो अभी हमने एक टेबल बना लिया है जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो है 3 और नंबर ऑफ रोज जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो है 7 और 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही है। तो नंबर ऑफ, अभी मान लीजिए हम लोगों को और एक कॉलम ऐड करना है यहाँ पे या फिर और एक रो ऐड करना है। तो रो ऐड, जैसे कि मैं ये आपको कुछ फार्मूला दिख रहा है, ये बच्चों के मैथ्स का फार्मूला है। तो अगर और एक कॉलम ऐड करना है या फिर और एक रो ऐड करना है तो कैसे ऐड कर सकते हैं? जब आप टेबल पे क्लिक करोगे तो टेबल पे क्लिक करने के साथ यहाँ पर टेबल टूल्स करके एक ऑप्शन खुल जाता है। टेबल पे जब आप क्लिक किए रहोगे तब टेबल टूल्स के अंदर आप यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, एक डिज़ाइन का और एक लेआउट का। अगर आप लेआउट पे क्लिक करोगे, लेआउट क्लिक करने के बाद आपका कर्सर जहाँ पर भी है, जैसे मेरा कर्सर अभी यहाँ पर है, हम कर्सर को मान लीजिए नीचे चाहिए, ट्रेपीजियम के नीचे और एक रो चाहिए, तो ट्रेपीजियम पर हम लोग ने ये कर्सर को यहाँ पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट बिलो इंसर्ट अबव, देखिए रोज एंड कॉलम में आ रहा है ना, इंसर्ट बिलो इंसर्ट अबव इंसर्ट लेफ्ट इंसर्ट राइट। इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट यानी कि ये कॉलम इंसर्ट होने का है और यहाँ पर आपका इंसर्ट बिलो और इंसर्ट अबव क्या है, ये रो इंसर्ट होने का है। तो अभी ट्रेपीजियम के नीचे हम लोगों को एक और रो चाहिए, तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट बिलो पर क्लिक करेंगे तो एक और रो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। इसका और एक तरीका है कि अगर जैसे मान लीजिए इस रो के बाद और एक आपको रो चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, यानी कि ये रो के लास्ट में और बगल में आपका टेबल के बगल में, और उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करने के साथ ही आपका और एक रो ऐड भी हो जाता है। सेम वैसा ही होता है आपका कॉलम के साथ, आपको करना कुछ भी नहीं है, आप जिस भी कॉलम के राइट में या लेफ्ट में चाहिए उस कॉलम में आप कर्सर को क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद लेआउट में आप जैसे मान लीजिए इसके राइट में अपने को चाहिए एक कॉलम, तो राइट में चाहिए, अभी कर्सर हम लोग का यहाँ पर है, अभी राइट में चाहिए तो राइट इंसर्ट राइट पर क्लिक करेंगे तो राइट में और एक कॉलम ऐड हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर टेबल बनाने के बाद उसमें कुछ डाटा लिखने के बाद हम लोग ऐड कर सकते हैं और फिर उसको मतलब रिमूव भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये हम लोगों को रिमूव करना है, ये कॉलम को हम लोग को रिमूव करना है, तो हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये डिलीट कॉलम, यहाँ पर आप ये कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद इस कॉलम को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ डिलीट डिलीट ऑप्शन दिख रहा है आपको, डिलीट आप क्लिक करोगे तो यहाँ डिलीट सेल्स आ रहा है, डिलीट कॉलम, डिलीट रोज या डिलीट टेबल। तो अभी हम लोग को क्योंकि कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट कॉलम पर क्लिक करेंगे, ये कॉलम पूरा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद इंसर्ट टैब में अब टेबल ग्रुप के अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अपना ड्रॉ टेबल का। जब आप ड्रॉ टेबल पर क्लिक करते हो आपका जो कर्सर है वो कुछ ऐसा पेंसिल के शेप का हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग इस पेंसिल से क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज टेबल बना सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आप लोग को कुछ ऐसा टेबल चाहिए जिसमें कि नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ रो जो है वो स्पेसिफिक नहीं है या फिर कुछ अलग अलग जगह पे है, तो हम लोग वो कैसे बना सकते हैं, करना कुछ भी नहीं है, बस आपको ये पेंसिल लेफ्ट क्लिक करना है माउस से और पकड़ के ऐसा ड्रैग करना है, तो ऐसा आपका टेबल डिजाइन हो जाएगा। और उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ एक रो चाहिए तो हम लोगों ने एक रो बना दिया ऐसे, फिर यहाँ पर एक कॉलम चाहिए तो एक कॉलम ऐसे करके हम लोग बना दिए, और ये एकदम स्ट्रेट बनेगा। उसके लिए जो है आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे चाहो, मान लीजिए आपके बीच में यहाँ पर भी एक देना है वो भी कॉलम देना है वो भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक रो देना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ऐसे करके हम लोग डिजाइन इसको कर सकते हैं। या फिर अगर आपसे गलती हो गई है तो यहाँ पर देखिए, आप जैसे ही आप ये आपका जो पॉइंटर है वो जब पेंसिल के शेप में है तो यहाँ देखिए ड्रॉ टेबल का ये ऑप्शन जो है सिलेक्टेड है। इसके बगल में इरेजर, आप इरेजर को ले लोगे तो अभी जो है आपका जो पेंसिल था वो अब इरेजर में कन्वर्ट हो गया, और अब आप जिस भी लाइन पे या आपने जहाँ भी ड्रॉ किया है टेबल वहाँ जिस भी लाइन पर आप क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। अब फिर आप ड्रॉ टेबल पर क्लिक करोगे फिर से पेंसिल बन जाएगा, फिर से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं।
तो ऐसे हम लोग जो है टेबल का जो ये ऑप्शन है इसको यूज करते हैं, ड्रॉ टेबल का, इंसर्ट के अंदर जो ड्रॉ टेबल है उसको। ये एक्सेल, ये देखिए और एक ऑप्शन है यहाँ, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ये अभी हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई टेक्स्ट ही नहीं है अपने पास। तो सबसे पहले हम एक टेक्स्ट लेके आते हैं और उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। अभी हम लोग पास कुछ ऐसा एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मेंसुरेशन क्लास 10 फॉर्मूलाज फॉर 3D फिगर्स, 3D फिगर्स का कुछ फॉर्मूला है जिसमें इधर आपको यहाँ दिख रहा है शेप का नाम लिखा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया है और इधर वॉल्यूम है। अब अभी हम लोग चाह रहे हैं कि इसको हम लोग एक टेबल के रूप में कन्वर्ट कर दें। तो उसके लिए करना क्या है, आपको जो भी मटेरियल, आपको जो भी कंटेंट को टेबल में कन्वर्ट करना है उसको आप कर लीजिए सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब के अंदर टेबल, इस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए जो हाईलाइटेड नहीं था कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ये अभी हाईलाइट हो गया। इस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक जो है ये अपने आप मतलब जो है फेच कर लेता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स आपको कितने जरूरत है। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स फिलहाल ये 4 दिखा रहा है और अपने को चाहिए भी 4 ही, नंबर ऑफ कॉलम्स 1, 2, 3, 4 ही चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, बस ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पर क्लिक कीजिएगा आपका जो भी आपका कंटेंट था वो टेबल के रूप में ऐसा बन के रेडी हो जाता है। तो मतलब कि अगर आप कोई टेक्स्ट अगर आप लिख दिए हैं और फिर बाद में उसको आपको टेबल में बनाना है तो वहाँ पर ये ऑप्शन बहुत ही यूजफुल रहता है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अभी देखिए फिर से ये जो है हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि अभी इसको कोई भी टेक्स्ट नहीं मिल रहा है। जैसे ही टेक्स्ट आप सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पर वो हाईलाइट हो जाएगा। इस बार जो हम लोगों का नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है इलस्ट्रेशन का। इलस्ट्रेशन के अंदर पहला जो ऑप्शन मिल जाता है वो हम लोग को पिक्चर्स का। जब आप पिक्चर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इंसर्ट पिक्चर्स करके जो है डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, यानी कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स को इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। आपको जहाँ पर भी आप अपने कंप्यूटर में रखे हुए हैं आप पिक्चर, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स में कुछ पिक्चर रखा हुआ है और उसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट करने के लिए बस उस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और वो पिक्चर यहाँ पर आ जाएगा। पिक्चर आने के साथ ही यहाँ अपना पिक्चर टूल खुल जाता है, पिक्चर टूल फॉर्मेट टैब, और इसके अंदर आप पिक्चर्स को क्या कर सकते हैं, कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको ऐसे लेफ्ट क्लिक प्रेस करके आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं पिक्चर्स को, इसका फ्रेम भी डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पिक्चर स्टाइल में आपका जो है आप जो भी चाहें जिस तरह का चाहें उस तरह का फ्रेम डाल सकते हैं। मान लीजिए ऐसा फ्रेम डालना है तो ऐसा कुछ फ्रेम भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। फिर आप पिक्चर पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर पिक्चर खुल जाएगा। फिर पिक्चर में आप इफेक्ट भी डाल सकते हैं, रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर है जो कि आप वन बाय वन आप एक एक करके ट्राई कीजिएगा तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। इसमें रिफ्लेक्शन डालने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसा आप जो है पिक्चर के अंदर बहुत सारा चीज़ क्रॉप करने का भी ऑप्शन अपने को मिल जाता है कि क्रॉप पर आप जैसे क्लिक करेगा तो यहाँ आपको बताएगा कि आपको पिक्चर कहाँ तक क्रॉप करना है। जैसे मान लीजिए हम लोग वो पिक्चर क्रॉप करना है यहाँ तक, तो ये ऑटोमेटिक जो है ये यहाँ तक क्रॉप हो जाएगा। ये था पिक्चर जो कि जो आपका कंप्यूटर में सेव है उसके लिए। उसके नेक्स्ट जो आप ऑप्शन मिल जाता है वो है ऑनलाइन पिक्चर्स का ऑप्शन मिल जाता है। ऑनलाइन पिक्चर्स के लिए आप ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक करोगे, आपका कंप्यूटर जो है वो नेट से इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पर देखिए बिंग इमेज सर्च, यहाँ पर आप जो भी आप इमेज सर्च करना चाहते हैं। जैसे मैं कंप्यूटर का फोटो सर्च करना चाहता हूँ, इमेज सर्च करना चाहता हूँ, उसके लिए क्या करें कंप्यूटर लिखे एंटर प्रेस कीजिएगा तो बेस्ड ऑन आपका इंटरनेट का स्पीड जो भी रिजल्ट है वो आपको सामने दिखाई देगा। मान लीजिए ये कंप्यूटर का आपको इमेज डालना है बस उसको सेलेक्ट कीजिए और इंसर्ट पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा ऑनलाइन फोटो जो कि हम लोग के कंप्यूटर में नहीं था, हम लोग उसको सर्च करके यहाँ पर। और इसका भी सेम आपका वही पिक्चर टूल खुला हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक किए तो पिक्चर टूल पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फिर वही सारा ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाता है कि आप इस पर क्या एडिटिंग करना चाहते हैं, आप इसमें फ्रेम डालना चाहते हैं या इफेक्ट डालना चाहते हैं, तो जो जितना भी तरह का इफेक्ट है वो आप रोटेट करना चाहते हैं आप रोटेट पर क्लिक करिएगा। तो मान लीजिए आपको रोटेट करना है तो आप ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, यहाँ सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो ये था ऑनलाइन पिक्चर्स। इसके नेक्स्ट जो ऑप्शन है आप इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर वो है शेप्स का। अभी ये शेप्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक टेबल है हम लोग के पास और टेबल हम लोग बनाए हुए हैं जिसमें कि कुछ फॉर्मूला है, जैसे सर्कल के सर्कल का जो एरिया है उसका क्या फॉर्मूला है, पेरीमीटर, वो सारा फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है और हम चाह रहे हैं कि जब हम इसको प्रिंट करें तो सर्कल के साथ यहाँ पर सिर्फ सर्कल लिखा हुआ ना रहे या सर्कल का एक फोटो भी रहे, यानी कि सर्कल का जो शेप है वो बना हुआ रहे ताकि बच्चा लोग को यानी कि जिनको आप फॉर्मूला देना चाहते हैं वो उनको आसान हो
ये जानने में या रिकग्नाइज करने में कि सर्कल कैसा दिखता है या रेक्टेंगल कैसा दिखता है। तो उसके लिए अच्छा, ये सर्कल का अभी जो एरिया है, यहाँ पर आप देखिए सर्कल का जो ये सर्कल जिस सेल में लिखा हुआ है, यहाँ पर ये रो का जो हाइट है ये बहुत कम है और यहाँ जगह ही नहीं है जहाँ पर हम लोग बना सकें सर्कल को। तो उसके लिए ना सबसे पहले थोड़ा सा पहले जूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका रो का हाइट को बढ़ाएंगे। उसके लिए आप यहाँ पर कर्सर लेके आइएगा, दोनों रो के बीच में यहाँ पर कर्सर लेके आइएगा तो ऐसा कुछ एरो बन जाएगा। उसके बाद आप इसको लेफ्ट क्लिक करने के बाद इसको पकड़ के आप ड्रैग कीजिए जितना बड़ा आपको करना है उतना। अब इतना एरिया काफ़ी है जहाँ पर हम सर्कल का जो है शेप बनाना चाहते हैं। आप शेप पर जैसे ही इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर जब आप शेप पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो शेप पर जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर पहले से कुछ जो है बहुत सारे शेप यहाँ पर बने हुए हैं। तो जैसे अपने को सर्कल बनाना है तो यहाँ पर देखिए ये सर्कल है, ओवल है तो ये ओवल, लेकिन हम लोग इसको सर्कल के रूप में भी बना सकते हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ओवल है, ये देखिए पाई है, ठीक है, उसके बाद ये कॉर्ड है। तो ये सारा ऑप्शन यहाँ पर है, ओवल है लेकिन हम लोग इसको ही सर्कल के रूप में बनाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओवल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए पॉइंटर जो है अपना ये माउस का वो कुछ ऐसा हो गया है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर पकड़ के इसको लेफ्ट क्लिक करके और ऐसा ड्रैग करेंगे तो सर्कल का ऐसा शेप बन गया। जैसे ये शेप बना उसके साथ ड्राइंग टूल खुल गया, ड्राइंग टूल क्या करेगा, अभी हम लोग चाह रहे हैं ये देखिए शेप जो है सर्कल का शेप जो है ये फिल भी हो गया साथ ही साथ, यानी कि मतलब इसके अंदर भी कलर आ गया। हम अगर चाहते हैं कि इसके अंदर कलर ना आए तो आप यहाँ पर क्या कि यहाँ पर आप क्लिक करिएगा, देखिए इतना सारा आपका फिल का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ शेप फिल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो है नो फिल पर जैसे क्लिक कीजिएगा ये ऑटोमेटिक इसके अंदर जो भी कलर था वो हट जाएगा। उसका जब आउटलाइन ये जो है ये आप चाहते हैं कि ब्लैक कलर का हो तो आप शेप आउटलाइन, ये देखिए यहाँ ऑप्शन है शेप आउटलाइन, इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा और आउटलाइन जिस भी कलर का लीजिएगा अभी ये उसी कलर का हो गया। और अभी हम लोग का सर्कल के बगल में यहाँ पर हम लोग सर्कल का शेप बना दिए। सेम इसी तरह रेक्टेंगल का अभी ये देखिए रो का हाइट बढ़ाना है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके और फिर इसको ड्रैग करेंगे तो ऐसे यहाँ पर स्पेस बन गया रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे शेप पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ रेक्टेंगल मिल जाता है। रेक्टेंगल पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से वहीं से ही हम लोग ड्रैग करेंगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर आपको शेप फिल में जाइए, अगर आपको कोई फिल नहीं करना है तो नो फिल कर दीजिए। आउटलाइन आपको जो भी कलर का, मान लीजिए रेड कलर का करना है तो आप रेड कलर का कर दीजिए तो आपका ऐसा यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल दिखाई देगा। सेम इसी तरह हम लोग जो है वो जैसे हम लोग रो का हाइट बढ़ा रहे हैं वैसे हम लोग कॉलम का भी जो है कॉलम का विड्थ को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कॉलम का विड्थ को भी कम या ज़्यादा हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं डिक्रीज भी कर सकते हैं। ट्रायंगल भी बनाना है तो आपको सेम ऐसे ही करना है, ठीक है, ऐसे ही हम लोग बाकी सारा शेप का भी यूज कर सकते हैं। ट्रायंगल भी यहाँ पर अपने को मिल जाता है ट्रायंगल और ऐसे करके हम लोग ट्रायंगल बना दिए। और ट्रायंगल में अगर आपको कोई कलर डालना है तो ठीक है, ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये था इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर शेप्स, उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलता है वो हम लोग को स्मार्ट आर्ट का है। स्मार्ट आर्ट पर आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पर कुछ जो है पहले से स्मार्ट आर्ट जो है वो बना हुआ है, यानी कि प्री मेड है। स्मार्ट आर्ट का यूज क्या होता है, स्मार्ट आर्ट का यूज जो है वो आपका होता है जनरली हम लोग को जो है, क्योंकि हम लोग का माइंड जो है वो ग्राफिक्स को ज़्यादा समझता है, तो स्मार्ट आर्ट से क्या होता है कि आप अपने डेटा को एक स्मार्ट आर्ट के रूप में बना के दिखा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि आप बढ़िया से प्रेजेंट कर सकते हैं उसको। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी एक इसमें से ले लेते हैं डाटा, स्मार्ट आर्ट कोई भी कौन सा, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर ये हायरार्की के अंदर ये वाला स्मार्ट आर्ट ले रहे हैं। स्मार्ट आर्ट लेने के साथ हम लोग सिर्फ यहाँ ओके करेंगे तो ऐसा कुछ अपना स्मार्ट आर्ट आ जाएगा। अब इसके अंदर अगर आपको जैसे भी हम जैसे कि मान लीजिए हम लोग मान लीजिए टाइप ऑफ प्रिंटर दिखाना चाहते हैं, टाइप ऑफ प्रिंटर्स, तो आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर, तो जैसे जैसे यहाँ पर लिख देना है सिर्फ प्रिंटर्स, फिर प्रिंटर्स के अंदर हम लोग ऐसे दिखाना चाहते हैं कि हम लोग का ये इम्पैक्ट प्रिंटर, प्रिंट टाइप ऑफ प्रिंटर्स और इसमें नॉन इम्पैक्ट, ठीक है, टाइप ऑफ प्रिंटर्स में इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट और फिर इम्पैक्ट के अंदर कौन कौन से प्रिंटर हैं वो हम लोग दिखा सकते हैं, नॉन इम्पैक्ट के अंदर कौन कौन से। तो इस तरह से हम लोग का डाटा क्या होता है कि अगर आपको दिखाना है एक स्मार्ट आर्ट के रूप में तो हम लोग ऐसे करके दिखा सकते हैं। स्मार्ट आर्ट के अंदर बहुत सारा पहले से प्री मेड स्मार्ट आर्ट है जिसको आप अपने डाटा के अनुसार यूज कर सकते हैं। इसके बाद इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है वो है चार्ट का। जब आप चार्ट पर क्लिक कीजिएगा तो ऐसा इंसर्ट चार्ट करके एक आपका डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जहाँ पर आपको बहुत सारे चार्ट पहले ही मिल जाते हैं, जैसे कि कॉलम का चार्ट को जैसा दिखेगा, उसका लाइन का चार्ट, उसका पाई चार्ट,
पाई चार्ट, ये इस तरह का जो चार्ट होता है, जैसे मान लीजिए पाई चार्ट हम लोग को बनाना है, तो पाई चार्ट पर क्लिक किए, ओके किए, तो ऐसा अब पाई चार्ट कुछ अपना आ जाता है, और साथ में चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये ऑप्शन आ जाता है। अब आपको यहाँ पर जैसा भी चार्ट दिखाना है वो आप अपना यहाँ डाटा यहाँ डालिएगा, उसी हिसाब से यहाँ पर आपका चार्ट जो है वो दिखेगा। जैसे कि देखिए फर्स्ट क्वार्टर यहाँ पर सेल्स 8.2, तो पाई चार्ट में ये अपन लोग का दिखाई दे रहा है कि जो है वो सेल्स कौन सा हुआ है फर्स्ट क्वार्टर का, ये ब्लू वाला 8.2, और बाकी सेकंड क्वार्टर 3.2, थर्ड क्वार्टर 1.4, फोर्थ क्वार्टर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर की जगह अगर मान लीजिए हम यहाँ लिखना चाहते हैं, अगर आपको इतना नहीं भी चाहिए, मान लीजिए अब देखिए पाई चार्ट हम लोग एक बनाए हैं जिसके अंदर कि हम लोग यहाँ ईयर यहाँ पर डिनोट किए हैं, 2019 में जो सेल्स हुए हैं वो 823, 2020 में 627, 2021 में 954 और 2022 में 401। तो ये यहाँ पर देखिए आपका 2019 जो है ब्लू कलर से दिख रहा है प्लॉट एरिया, उसका 20 जो है वो आपका ये ऐसा ऑरेंज कलर से, और 21 जो है वो ऐसा ग्रे कलर से, और 22 जो है वो येलो कलर से दिखाई दे रहा है। तो ऐसा चार्ट जब आप भी आपको बनाना है तो ऐसा करके आप बना सकते हैं। यहाँ पर आप जो है अलग अलग जो भी है चार्ट के स्टाइल्स वो भी डाल सकते हैं। वो देखिए आपको यहाँ चार्ट स्टाइल्स करके ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको चार्ट का जो स्टाइल है वो आप अलग अलग तरीके से यहाँ पर डाल सकते हैं। और इस पर अगर आप क्लिक कीजिएगा तो ये, अगर आप यहाँ पर इसके टाइटल बार पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये पूरा का पूरा इसका जो है एक्सेल की तरह ही सीट खुल जाएगा, ये चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। नेक्स्ट जो ऑप्शन मिल जाता है वो अपने को स्क्रीनशॉट का मिल जाता है। स्क्रीनशॉट पर क्लिक करने के साथ आपका जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओपन है, जैसे कि मेरा देखिए यहाँ पर 4-5 डॉक्यूमेंट ओपन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, वो सारा दिखाई दे रहा है। उन सब में से किसी का एक स्क्रीनशॉट अगर आपको लगाना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट है मेरा, इसका स्क्रीनशॉट हम लगाना चाहते हैं, जैसे हम क्लिक करेंगे वो डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, और उसके साथ यहाँ पर पिक्चर टूल फिर से खुल जाएगा जिसमें कि आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि सिर्फ इतना ही एरिया यहाँ पर दिखाई दे, तो क्रॉप पर क्लिक करने के बाद आप हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, यानी कि क्रॉप भी कर सकते हैं कि मान लीजिए इतना ही एरिया हम लोग को चाहिए यहाँ पर, तो हम लोग इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद आपको फिर साइड में एक बार क्लिक करना है और ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्रॉप होकर यहाँ पर आ जाएगा। या फिर आपका इंसर्ट में स्क्रीनशॉट के अंदर अगर मान लीजिए आपको ये स्क्रीन क्लिपिंग, ये देखिए ये ऑप्शन क्या है, ये तो अवेलेबल विंडोज, यानी कि जो जो विंडोज आपका ओपन है वर्ड में वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन स्क्रीन क्लिपिंग ये ऑप्शन क्या है, इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो जो भी आपका वर्ड के अलावा जो भी आपका एप्लीकेशन ओपन है वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक खुल जाएगा। जैसे कि मेरा देखिए मेरा चैनल खुला हुआ है, ये कंप्यूटर क्लास, ये चैनल जो है ये क्रोम के अंदर खुला हुआ है। उसके बाद आपको इसमें जितना भी आपको इसका स्क्रीनशॉट लगाना है उतना में आप क्या कीजिए, आप माउस से लेफ्ट क्लिक करके और उतना एरिया को आप कर लीजिए सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही आप सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही मतलब छोड़िएगा और सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर आ जाएगा, और फिर से वही पिक्चर टूल खुल गया, और फिर आप इसमें जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं या क्रॉप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग यूज करते हैं इलस्ट्रेशन का ये स्क्रीनशॉट। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है एडिंस का। ये एडिन क्या होता है, एडिंस के अंदर ना आपको एक स्टोर का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप स्टोर पर क्लिक कीजिएगा तो आपको बहुत सारा यहाँ पर जो है ऑप्शन दिखेगा कि आपको क्या क्या एडिन लगाना है। जैसे कि हम लोग पहले से यहाँ पर विकीपीडिया का एडिन लगाए हुए हैं, देखिए विकीपीडिया, ठीक है। आप अगर इसमें कोई भी एक्स्ट्रा अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे इमोजी कीबोर्ड, इसको अगर आप ऐड रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमको अभी कोई ज़रूरत नहीं है तो हम इसको ऐड नहीं कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो है वो है माई एप्स, ये भी आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए यू नीड अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, क्योंकि मेरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इसमें साइन इन नहीं किया हुआ है इसलिए यहाँ पर मेरे ऐप्स दिख नहीं रहे। आप ऐप्स भी यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो भी एडिन आप किए रहेंगे, जैसे भी वहाँ पर कीबोर्ड दिखा रहा था वो इमोजी कीबोर्ड कौन सा था, स्टोर पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं कौन सा था वो इमोजी कीबोर्ड। तो जैसे हम ऐड पर क्लिक करते ना तो यहाँ पर दिखाता कि आपको मान लीजिए ऐड करना है, यही बता रहा है, जिसको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्योंकि ये इंटरनेट से डाउनलोड होता है थोड़ा सा टाइम ये लगाएगा ऐड होने के लिए, और साइन इन रिक्वायर्ड, तो विकीपीडिया का हम लोग को लगाया हुआ है। अगर विकीपीडिया पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर विकीपीडिया जो है विकीपीडिया का ऑप्शन, यहाँ विकीपीडिया का ऑप्शन आ जाएगा। विकीपीडिया में आपको जो भी सर्च करना है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर के बारे में कुछ सर्च करना है, तो हम लोग यहाँ कंप्यूटर लिखिए और एंटर प्रेस किए, तो यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक किए, सर्च के बटन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर जो है
विकिपीडिया से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ जाता है। बहुत बार हम लोग को वर्ड पे डॉक्यूमेंट बनाने के टाइम कुछ सर्च करने का सर्च कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर के बारे में कंप्यूटर सर्च किया तो कंप्यूटर के बारे में जो भी जानकारी विकिपीडिया के अंदर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया, इंक्लूडिंग इमेजेस, सब कुछ इमेजेस भी यहाँ पर आ गए। तो ये था हम लोग का एडियंस ग्रुप। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है मीडिया ग्रुप के अंदर ऑनलाइन वीडियो का। ये ऑनलाइन वीडियो क्या है, आप ऑनलाइन वीडियो पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया कि यूट्यूब का और फ्रॉम वीडियो इनेबल्ड कोड। तो देखिए यूट्यूब से अगर आपको कोई वीडियो जो है वो आपके डॉक्यूमेंट में लगाना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब के अंदर मान लीजिए हम लोग एटम के बारे में अगर यूट्यूब से मान लीजिए एटम के बारे में हम लोगों को कुछ जानकारी निकालना है या वीडियो लगाना है तो मान लीजिए एटम के बारे में हम एटम यहाँ पर लिख के और उसके बाद सर्च कर दिए। सर्च करने के साथ यूट्यूब पर जो भी एटम से रिलेटेड वीडियोस हैं वो यहाँ पर आ गए। तो हम मान लीजिए ये वीडियो यहाँ लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो पर क्लिक किए और यहाँ पर देखिए इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इंसर्ट पर क्लिक कर दिए। जैसे इंसर्ट पर क्लिक किए तो वो वीडियो का जो यहाँ पर लिंक है वो यहाँ पर आ गया। अगर आप नेक्स्ट कभी भी अगर आप ये डॉक्यूमेंट में यहाँ पर देखिए प्ले का बटन है, प्ले बटन पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो है वो यूट्यूब पर रीडायरेक्ट करके और आपका क्या करेगा वो वीडियो को ओपन कर देगा। देखिए यहाँ पर वीडियो, इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये वीडियो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के साथ ये वीडियो चलने भी लगेगा, सिर्फ मैं क्योंकि मेरा इंटरनेट का स्पीड थोड़ा स्लो है इसलिए ये मतलब टाइम लगा रहा है, वरना ये वीडियो तो ऐसे वीडियो को बंद करने के लिए आप स्केप बटन दबाइए और आपका वीडियो बंद हो जाएगा। तो और आप इसको जो है पिक्चर टूल के अंदर आप इसको जो है इसका क्रॉप भी कर सकते हैं। देखिए फॉर्मेट पे गए, आप इसका थंबनेल को क्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद मतलब जितना भी ऑप्शन पिक्चर टूल्स के अंदर आपको मिलता है वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये होता है ये ऑनलाइन वीडियो इस ऑप्शन का यूज। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है लिंक्स का। ये लिंक्स जो ग्रुप है ये हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस, इसके अंदर जो आपको कमांड्स मिल जाते हैं। तो ये हाइपरलिंक क्या होता है, ये अगर आपको डॉक्यूमेंट में कहीं कोई लिंक बनाना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ही, जैसे कोई पेज नंबर है या टेबल ऑफ कंटेंट आपने बनाया हुआ है वहाँ पर अगर आपको जाना है, मतलब आप चाहते हैं कि लिंक क्रिएट हो जाए जिस पर हम क्लिक करने के साथ ही उस पेज नंबर पर या वहाँ पर पहुँच जाएँ, तो उसके लिए भी यूज हो सकता है। या फिर आप जो है अगर आपको इंटरनेट पर भी कोई वेबसाइट है उस पर जाना है, जैसे कि मान लीजिए मेरा चैनल है मैं उसका लिंक यहाँ पर डालना चाहता हूँ। एक पेज सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन करते हैं और उसमें चाहते हैं कि जहाँ पर मेरा जो चैनल का लिंक है वो कहीं पेस्ट कर दें जहाँ से लिखा हुआ रहेगा। अभी देखिए कि हम लोग इस डॉक्यूमेंट में एक पिक्चर इंसर्ट किए हैं, जैसे मेरा जो चैनल है उसका लोगो को इंसर्ट किए हैं और उसके नीचे लिखे हैं टू सब्सक्राइब माई चैनल क्लिक हियर, ठीक है। और हम चाहते हैं कि जैसे ही ये PDF या ये डॉक्यूमेंट कोई ओपन करे और यहाँ क्लिक हियर पर जैसे ही क्लिक करे तो वो सीधे मेरे चैनल पर रिडायरेक्ट हो जाए और वहाँ पर जो है वो सब्सक्राइब, मतलब जिनको सब्सक्राइब करना है वो यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट चैनल पर जा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पर जो है वो हाइपरलिंक क्रिएट करना होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लिंक्स के अंदर देखिए ये हाइपरलिंक का ऑप्शन है। सबसे पहले जहाँ आपको लिंक लगाना है सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि क्लिक हियर हमको इस यहाँ पर लिंक लगाना है तो क्लिक हियर को हम क्या कर लिए सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हाइपरलिंक पर क्लिक किए, हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज प्लेस इन द डॉक्यूमेंट और उसके बाद क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट ईमेल एड्रेस। तो हम लोग को क्योंकि एड्रेस चाहिए यहाँ पर, जिस भी पेज पर हम लोग को जाना है वहाँ का एड्रेस चाहिए, तो या तो आप उसको ढूंढ के मतलब या तो आप उसको यहाँ से वेब से भी ढूंढ सकते हैं या फिर आपका जैसे कि हम अपना चैनल का लिंक जो है वो मान लीजिए क्रोम ब्राउजर से, या ये है मेरे चैनल का लिंक, उसके बाद क्रोम ब्राउजर से देखिए ये है मेरे चैनल का लिंक, ये चैनल का लिंक है और ये चैनल का एड्रेस है, ये मेरे चैनल का लिंक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर वर्ड में यहाँ पर एड्रेस का यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पेस्ट करने के बाद ओके कर देते हैं। अब देखिए ये जो क्लिक हियर जो हम लोग जिस जगह को सेलेक्ट किए हुए थे वो ब्लू कलर से हो गया है। अब ब्लू कलर से होने का मतलब क्या है कि अगर जब भी इस पर कोई क्लिक करेगा तो वो सीधे क्या है मेरे चैनल के पेज पर पहुंच जाएंगे। तो लेकिन ऑप्शन क्योंकि ये वर्ड का फाइल है तो यहाँ पर हम लोग को क्लिक करना होगा कंट्रोल के साथ,
क्योंकि ये वर्ड का फाइल है तो हम लोग कंट्रोल के साथ क्लिक करना होगा, कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर कंट्रोल के साथ एक बार क्लिक करेंगे तो सीधे हम लोग जो है वो देखिए यहाँ ऑप्शन आ गया, हाउ डू यू वांट टू ओपन दिस, कैसे ओपन करना चाहते हैं, गूगल क्रोम से, इंटरनेट एक्सप्लोरर से। तो मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एज से ओपन करना है, माइक्रोसॉफ्ट एज पर क्लिक किए, ओके पर क्लिक किए, ओके पर क्लिक करने के साथ देखिए ये सीधे मेरे चैनल पर लेके आ गया। उसके बाद अगर हम चाहते हैं ना कि इसको हम लोग सेव कर दें और पीडीएफ के रूप में इसको हम लोग सेव कर दें इस फाइल को, और उसके बाद जो भी इस पर क्लिक करें वो डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएगा, उसको कंट्रोल पर प्रेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एज पर क्लिक करेंगे, सेव एज क्लिक करके और उसके बाद देखिए कंप्यूटर में ही हम लोग सेव करना चाहते हैं, मान लीजिए डाउनलोड्स में, और इस फाइल का नाम मान लीजिए रख देते हैं हम कंप्यूटर क्लास नाम रख देते हैं, और इसका फाइल टाइप जो है वो हम लोग कर देंगे पीडीएफ। पीडीएफ करने के बाद ये हम लोग डाउनलोड फोल्डर में कर रहे हैं सेव, पीडीएफ करने के बाद हम लोग उसको सेव कर रहे हैं। ये अब सेव हो गया पीडीएफ, देखिए कंप्यूटर क्लास पीडीएफ ये सेव होके ओपन हो गया। अभी ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू सब्सक्राइब माई चैनल क्लिक हियर। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हम यूट्यूब पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग हाइपरलिंक क्रिएट किए हुए थे। ठीक है, देखिए हम ये कंप्यूटर क्लास पीडीएफ है, जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक हम देखिए यूट्यूब के इस चैनल पर मतलब मेरे चैनल पर रीडायरेक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इतना यूजफुल है ये आपका हाइपरलिंक। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हाइपरलिंक के यूज से कैसे हम लोग वेब के किसी पेज पर जा सकते हैं, या अगर डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड पर अगर हम लोग हाइपरलिंक लगा देते हैं तो हम लोग कैसे भी किसी वेब पेज पर डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाते हैं। हाइपरलिंक का यूज करके हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में भी किसी एक प्लेस पर किसी एक पे अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी एक सेंटेंस पर जा सकते हैं। या मान लीजिए जैसे कि मेरे पास अभी एक डॉक्यूमेंट है, ये 5 पेज का डॉक्यूमेंट है, आपको ये देखिए दिखाई देगा, ऐसा 5 पेज का मेरा एक डॉक्यूमेंट है और इसमें अलग अलग जो है हेडिंग्स हैं, जैसे कि अमेजिंग ट्रू फैक्ट्स, अमेजिंग फैक्ट्स, उसके बाद माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स फॉर जनरल नॉलेज, अर्थ एंड वर्ल्ड, कप्स एंड ट्रॉफीज और इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये एक फाइल है मेरा जिसके अंदर इतने सारे जो है वो हेडिंग्स हैं और उसके नीचे जो भी कंटेंट है वो लिखा हुआ है। अभी हम लोग हाइपरलिंक का यूज करके हम लोग चाहते हैं कि ये सारे हेडिंग्स को एक जगह हम लोग लिख दें और जिस भी हेडिंग पर हम लोग क्लिक करें डायरेक्ट हम लोग उस हेडिंग पर पहुंच जाएं, जहां पर भी वो उसका कंटेंट है, वरना ऐसे हम लोगों को मतलब ढूंढने में मतलब उससे आसानी होगी एक तरीके से, वरना ऐसे हम लोगों को ढूंढना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग से पहले जितने भी हेडिंग्स हैं वो सारे हेडिंग्स को हम लोग यहाँ टाइप कर लेंगे। तो पहले चलिए हम लोग टाइप कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने इस डॉक्यूमेंट में जितने भी हेडिंग्स हैं उसको टाइप कर लिया है। टाइप करने के बाद अब हम चाहते हैं कि जैसे कि यहाँ पर अमेजिंग ट्रू फैक्ट्स ये हेडिंग है और इसका हेडिंग आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि जब भी हम लोग अमेजिंग ट्रू फैक्ट्स पर क्लिक करें तो अमेजिंग ट्रू फैक्ट्स जहाँ पर भी हम लोग सीधे उसके कंटेंट के पास कंटेंट पर रिडायरेक्ट हो जाएं। अमेजिंग फैक्ट्स ऐसे ही बाकी सारे हेडिंग्स कप्स एंड ट्रॉफीज इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करें तो ऑटोमेटिक वहाँ पर, तो इसको हम लोग जो है वो हाइपरलिंक की मदद से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जहाँ पर हाइपरलिंक लगाना है उसको सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि हम लोग को यहाँ पर लगाना है अमेजिंग ट्रू फैक्ट्स पर, तो हम लोग पहले इसको अमेजिंग ट्रू फैक्ट्स को सेलेक्ट कर लिए और हाइपरलिंक पर क्लिक किए। हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद देखिए ऑप्शन आ रहा है लिंक टू के अंदर एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज जिसमें हम लोग पहले कर चुके हैं यूआरएल डाल के, उसके बाद प्लेस इन द दिस डॉक्यूमेंट मतलब इसी डॉक्यूमेंट में किसी एक स्थान पर, या फिर क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट या ईमेल एड्रेस, तो हम लोग को इसी डॉक्यूमेंट में एक स्थान पर जाना है तो हम लोग यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग जो भी हेडिंग्स बनाए हुए हैं पहले वो सारे हेडिंग्स यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कि हेडिंग्स हम लोग का है अमेजिंग ट्रू फैक्ट्स, अमेजिंग फैक्ट्स, ये सारा पर हेडिंग्स यहाँ पर है। तो अमेजिंग ट्रू फैक्ट्स हम लोग का हेडिंग है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि अभी हम लोग ये इस वाले में अमेजिंग ट्रू फैक्ट्स को जो है लिंक कर दें, तो अमेजिंग ट्रू फैक्ट्स को सेलेक्ट किए और ओके पर क्लिक किए। अब देखिए ये ब्लू कलर से हाईलाइट हो गया, ब्लू कलर से हाईलाइट होने के बाद उसके बाद जब भी हम कर्सर यहाँ लेके जा रहे हैं लिखा रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक, मतलब कि जब भी आप हम लोग कंट्रोल की प्रेस करके और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग जहाँ पर भी ये अमेजिंग ट्रू फैक्ट्स है वहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। सेम उसी तरह हम लोग चलिए करते हैं अमेजिंग फैक्ट्स के लिए, हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद
हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे और देखिए अमेजिंग फैक्ट, ये भी हम लोग का एडिंग है। ओके, माइंड ब्लोइंग फैक्ट, हाइपरलिंक। अब जैसे देखिए हम लोगों को मान लीजिए कप्स एंड ट्रॉफीज ये टॉपिक पर जाना है, तो उसके लिए बस कंट्रोल के साथ यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे कप्स एंड ट्रॉफीज पर, तो हम लोग ऑटोमेटिक कप्स एंड ट्रॉफीज जहाँ पर भी ये हेडिंग है वहाँ पर हम लोग रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये था हाइपरलिंक का दूसरा यूज, कि हम लोग हाइपरलिंक को यूज करते हुए कैसे अपने ही अपने डॉक्यूमेंट में ही कोई दूसरे टॉपिक पर हम लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है लिंक्स ग्रुप के अंदर वो है बुकमार्क का। अब ये बुकमार्क क्या है? बुकमार्क जनरली हम लोग के डायरी में या बुक्स में भी बुकमार्क होता है, वो एक स्ट्रैप जिसको हम लोग मतलब यूज करते हैं। जैसे कि आज हम लोगों ने कुछ बुक पढ़ा, बुक में कोई एक चैप्टर पढ़ा और फिर कहीं पर आके हम लोग उसको स्टॉप कर दिए पढ़ना, तो वहाँ पर हम लोग मार्क कर देते हैं कुछ एक वो जो स्ट्रैप दिया हुआ रहता साथ में उसको वहाँ पर प्लेस कर देते हैं, ताकि अगला दिन जब हम लोग फिर आगे पढ़ना रहे तो हम लोग सीधे वो स्ट्रैप के थ्रू ये जान जाए कि हम लोग कहाँ तक पढ़े हुए थे। या फिर बहुत कोई पेज रख देते हैं या ऐसे ही मतलब एक तरह से मार्किंग कर देते हैं कि हाँ यहाँ तक हम लोग इस पर काम कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं। तो वैसे ही हम लोग का यहाँ पर जो है बुकमार्क ये ऑप्शन यूज़ होता है। ये क्या करता है, तो हम लोगों को मान लीजिए हम लोग यहाँ तक एडिटिंग किए और उसके बाद हम लोग को यहाँ पर बुकमार्क लगाना है, तो हम लोग या तो अपना कर्सर को यहाँ पर प्लेस करके उसके बाद यहाँ पर बुकमार्क लगा सकते हैं, या हम लोग इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि सेलेक्ट हो जाए और फिर हम लोग यहाँ बुकमार्क लगा देते हैं कि हम लोग लास्ट यहाँ तक एडिट किए थे। तो लास्ट एडिट करने के लिए मतलब एडिट किए थे, तो हम लोग बुकमार्क का नाम यहाँ पर पूछ रहा है, तो बुकमार्क का नाम हम लोग लिख देते हैं लास्ट एडिट, लास्ट एडिट करके। लेकिन हाँ देखिए लास्ट एडिट लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन हाईलाइटेड नहीं है। एक्चुअल में होता है क्या कि यहाँ पर आपका ये स्पेस जो होता है वो स्पेस ये नहीं लेता, यहाँ पर आपको स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, कि अंडरस्कोर अगर आप लगा देंगे तो यहाँ पर आपको ये ऐड वाला ऑप्शन दिखेगा, वरना ये अगर आप स्पेस दे देंगे तो यहाँ पर ऐड वाला ऑप्शन आपको हाईलाइट नहीं दिखेगा। तो अंडरस्कोर हम लगा दिए, लास्ट एडिट ऐड कर दिए, अब ये बुकमार्क जो है वो लग गया है। अब अगला दिन मतलब जब भी आप इसको डॉक्यूमेंट को खोलोगे और फिर आपको देखना है कि हम लास्ट एडिट कहाँ तक किए थे, तो आपने क्योंकि बुकमार्क लगाया हुआ है तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट में से ढूंढ के निकालने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ बुकमार्क पर क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ देखिए ऑप्शन आ जाएगा लास्ट एडिट, यानी कि जो जिस नाम से आपने सेव किया था, और फिर आप गो टू पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक उस जगह पर पहुँच जाओगे जहाँ तक आपका बुकमार्क किया हुआ है। मान लीजिए इसके बाद आपने एडिटिंग यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक, और इस जगह आप चाहते हो कि बुकमार्क लग जाए कि अगला दिन फिर हम लोग इसके आगे बुकमार्क मतलब ये एडिटिंग करेंगे, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप इसको सेलेक्ट कर लो या फिर अपना कर्सर को भी यहाँ ही प्लेस कर दो और उसके बाद बुकमार्क पर क्लिक करो और फिर यहाँ जो भी नाम पूछ रहा है वो आप नाम रख दो। जैसे हम इसका नाम रखते हैं एडिट टू, यानी कि दूसरा दिन एडिटिंग हम लोग यहाँ तक। देखिए फिर से ये स्पेस एडिट टू में स्पेस देने के बाद ये यहाँ पर ऐड का जो ऑप्शन है वो हट जा रहा है, क्योंकि ये स्पेस लेगा ही नहीं, आपको यहाँ पर देना पड़ेगा अंडरस्कोर। देखिए एडिट टू ऐसा कुछ लिख दिए और ऐड कर दिए। अब अगला दिन जब भी हम लोग को देखना रहेगा कि हम लोग दूसरा दिन कहाँ तक एडिटिंग किए, तो हम लोग कहीं पर भी रहेंगे बुकमार्क में क्लिक करेंगे, उसका देखिए यहाँ दो चीज़ आ रहा है, लास्ट एडिट या एडिट टू। अभी एडिट टू पे जाना है तो एडिट टू पर सेलेक्ट करके और आप यहाँ गो टू पर क्लिक करेंगे। गो टू पर आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपका इसको क्लोज करिएगा, उसके बाद आपका कर्सर ऑटोमेटिक वहीं पर पहुँच जाएगा जहाँ पर आपने अगर हम ये सेंटेंस को सेलेक्ट किए रहते तो पूरा सेंटेंस भी यहाँ पर सेलेक्टेड फिर से आ जाता। तो इस तरीके से हम लोग बुकमार्क का यूज करते हैं। तो लिंक्स ग्रुप में जो नेक्स्ट कमांड हम लोग सीखने वाले हैं वो है क्रॉस रेफरेंस का। अब ये क्रॉस रेफरेंस क्या होता है और इसको हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पास एक नया डॉक्यूमेंट है, प्रिंटर के ऊपर ये डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रिंटर कौन कौन से टाइप होते हैं प्रिंटर्स के वो सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है, और इसके नीचे आप अगर चाहिएगा तो सबसे जो पेज के नीचे है वहाँ पर सेल ऑफ प्रिंटर्स करके एक टेबल है, वहाँ पर प्रिंटर्स का सेल दिखाया गया है ये लास्ट के 4 ईयर्स में, और उसके बाद प्रिंटर्स का पिक्चर दिया हुआ है। तो हम लोग का जो डेटा है यहाँ पर वो मतलब एक तरह से असेंबल्ड नहीं है, सब अलग अलग जगह पे है। जैसे कि हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन व्यू द सेल ऑफ प्रिंटर्स एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो अगर हमको डॉक्यूमेंट के बॉटम में जाना है तो हम अगर क्रॉस रेफरेंस का यूज करके ईजिली डॉक्यूमेंट में हम लोग एक जगह से दूसरी जगह वन प्लेस से अनदर प्लेस जा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ना हमको डॉक्यूमेंट में जो कैप्शन डालना पड़ेगा, ये कैप्शन क्या होता है कि जैसे कि अगर हमको सेल्स प्रिंटर का सेल्स के लिए जो हम लोग नीचे टेबल लगाए हुए हैं वहाँ पर जाना है, तो वहाँ सबसे पहले हम लोग को वर्ड में उस टेबल का कैप्शन डालना पड़ेगा कि आखिर ये टेबल है और इस टेबल का नाम क्या है। तो इस टेबल के पास हम लोग यहाँ पर आए, इस टेबल पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आता है देखिए इंसर्ट कैप्शन,
इंसर्ट कैप्शन ये ऑप्शन जो है इस पर आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पर कैप्शन आ जाएगा कि आपको कैप्शन इसका क्या रखना है। तो जैसे कैप्शन हम इसका नाम रख देते हैं सेल्स, सेल्स ऑफ प्रिंटर्स, ये है टेबल का नाम। लेबल, इसके नीचे ऑप्शन में देखिए लेबल, इसका लेबल क्या है, तो लेबल पर आप क्लिक कीजिएगा, देखिए इक्वेशन है, फिगर है या टेबल है, तो हम लोग का टेबल है तो टेबल पर हम लोग क्लिक कर दिए। उसका पूछ रहा है कि पोजीशन, यानी कि ये जो कैप्शन रहेगा, ये नाम जो रहेगा इस टेबल का, वो कहाँ पर रहेगा, अबव सेलेक्टेड आइटम, यानी कि जो आइटम आप सेलेक्ट किए हैं इसके ऊपर में, या फिर आप यहाँ पर से ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करिएगा तो यहाँ बिलो सेलेक्टेड आइटम का भी ऑप्शन रहता है। अगर आप बिलो में रखना चाहते हैं तो बिलो, अभी के लिए हम लोग अगर अबव में चाहते हैं ऊपर में, तो हम लोग अबव सेलेक्टेड आइटम पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो जैसे ही हम लोग ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए टेबल वन सेल्स ऑफ प्रिंटर्स करके यहाँ पर इसका नाम आ गया। ये हम लोग को इसलिए देना पड़ा क्योंकि हम लोग को यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस लगाना है। अब ये क्रॉस रेफरेंस कैसे लगेगा, तो सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट के टॉप में चले जाते हैं जहाँ पर हम लोगों को क्रॉस रेफरेंस लगाना है। तो अभी हम लोग को सेल्स ऑफ प्रिंटर यहाँ पर अगर क्रॉस रेफरेंस लगाना है तो हम लोग सेल्स ऑफ प्रिंटर को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए रेफरेंस टाइप आ रहा है, रेफरेंस टाइप में क्या, रेफरेंस टाइप में मतलब कि आपका जो रेफरेंस है वो कौन सा टाइप है, तो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ें जैसे बुकमार्क, फुट नोट, एंड नोट, इक्वेशन। तो फिलहाल हम लोग का टेबल है तो हम लोग टेबल को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर, तो अभी इंसर्ट रेफरेंस टू में अभी यहाँ देखिएगा तो यहाँ देखिए इंटायर कैप्शन आ रहा है, ओनली लेबल एंड नंबर, ओनली कैप्शन टेक्स्ट, और ये तो क्योंकि अभी अब हम लोग को सिर्फ ओनली कैप्शन टेक्स्ट चाहिए तो हम लोग यहाँ पर ओनली कैप्शन टेक्स्ट हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ये जो है इसका थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी चेंज हो गया और यहाँ देखिए सेल्स ऑफ प्रिंटर ऐसा करके लिखा रहा है। जब भी आप अपना कर्सर यहाँ लेके जाओगे तो ये शो करेगा करंट डॉक्यूमेंट और उसके बाद कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। जैसे आप कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिक वहाँ उस टेबल पे पहुँच जाओगे जहाँ पर ये आप कैप्शन डाले हुए, ठीक है। और हाइपरलिंक ही क्रिएट हो गया, लेकिन ये कुछ अलग फॉर्मेटिंग नहीं हो जाता, जैसे हाइपरलिंक में ना ये ब्लू कलर से हो जाता था, लेकिन यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस में अगर आपको मतलब क्रॉस रेफरेंस लगाए हैं और आपको याद रखना है या उसको, तो आप उसका फॉर्मेटिंग थोड़ा अलग कर दीजिए ताकि वो देखने में आपको समझ में आ जाए कि ये अलग कुछ है। जैसे हम इसका कलर रेड कर दिए और जैसे यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम लोग चाहते हैं ना कि जैसे भी ये इंकजेट प्रिंटर है तो इंकजेट प्रिंटर यहाँ देखिए इंकजेट प्रिंटर ये लिखा हुआ है, इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसका पिक्चर यहाँ नहीं है। पिक्चर अगर आप जाके देखिएगा तो आपको नीचे यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर का पिक्चर लगा हुआ है ऐसा कुछ। तो अगर हम चाहते हैं कि ये इंकजेट प्रिंटर का फोटो, अगर हम इंकजेट प्रिंटर पर क्लिक करें तो इसका फोटो यहाँ पर डिस्प्ले मतलब जहाँ पर भी है वहाँ पर हम लोग ऑटोमेटिक पहुँच जाए, तो सबसे पहले हम लोग को इस पिक्चर पर भी कैप्शन लगाना पड़ेगा। तो इस पिक्चर पर क्लिक करके आप राइट क्लिक करेंगे, देखिए इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन आ रहा है, इंसर्ट कैप्शन पे आप यहाँ पर जो है कैप्शन में यहाँ लिख देंगे हम लोग जैसे क्या नाम है इंकजेट प्रिंटर और लेबल में यहाँ फिगर करके लेबल। पोजीशन पूछ रहा है कि कहाँ आपको कैप्शन लगाना है, नाम कहाँ रहेगा, तो वो अगर आप नाम फिगर के नीचे चाहते हैं तो अभी हम लोग अबव चाहते हैं तो अबव हम लोग अबव सेलेक्टेड आइटम क्लिक करके ओके कर देंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर इसका कैप्शन आ गया कुछ ऐसा इंकजेट प्रिंटर। अब ये कैप्शन डालने का फ़ायदा यही होगा कि जब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे क्रॉस रेफरेंस तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा कि यहाँ पर अब देखिए इंसर्ट टैब में यहाँ क्रॉस रेफरेंस लगाएंगे तो ऑटोमेटिक जैसे ही आप रेफरेंस टैब या फिगर डालिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा फिगर वन इंकजेट, फिगर टू इंकजेट, फिगर वन इंकजेट ये हम पहले एक बार लगाए हुए थे यहाँ पर, देखिए फिगर वन इंकजेट करके ये फिगर टू इंकजेट अभी हम लोग जो वहाँ पर लिखे हैं इंकजेट प्रिंटर पूरा, तो फिगर टू इंकजेट प्रिंटर इस पर आप जैसे ही अच्छा यहाँ रेफरेंस इंसर्ट रेफरेंस टू एंटायर कैप्शन पूरा का पूरा कैप्शन पर डालना है या फिर ओनली कैप्शन टेक्स्ट या फिर सिर्फ कैप्शन के टेक्स्ट पे, तो ओनली कैप्शन टेक्स्ट पर आप क्लिक करिएगा और इंसर्ट कर दीजिएगा। देखिए इसका फॉर्मेटिंग ऐसा कुछ चेंज हो गया इंकजेट प्रिंटर और इस पर आप इसका हम लोग फॉर्मेटिंग ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, हम लोग इसको थोड़ा ऐसा करके, और जब भी हम लोग इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग उस फोटो पे फिगर पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसे हम लोग यूज करते हैं इंसर्ट टैब के अंदर जो लिंक ग्रुप है उसका क्रॉस रेफरेंस को ऐसे यूज करते हैं। जो ग्रुप है वो है कमेंट्स का और कमेंट्स के अंदर एक ही ऑप्शन है कमेंट्स का। तो ये कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स अगर आप जैसे आपका कोई डॉक्यूमेंट है और उसमें कुछ वर्ड्स हैं जिसके बारे में आप कुछ और ही ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन कुछ देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। आपको जैसे जहाँ भी कमेंट लगाना है आप बस उसको सेलेक्ट कीजिए उस एरिया को और वहाँ पर आप कमेंट, आप जैसे इंटरनेट कैफेज
इंटरनेट कैफेज पर आपको कमेंट इस वर्ड के लिए कुछ एक्स्ट्रा आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है, इंटरनेट कैफेज पर क्लिक करके कमेंट पर क्लिक कीजिए। ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है कमेंट का आपका ये जो है मेन्यू खुल जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर देखिए ये एक्सपर्ट अ फ्यू सेकंड, एक्सपर्ट यानी कि ये यूज़र है जो इसको मतलब इस यूज़र का नाम है जिससे हम लॉगिन किए हुए हैं, और यहाँ पर आप जो भी चाहें वो आप इसका कमेंट दे सकते हैं, जैसे इंटरनेट कैफेज के बारे में, या फिर इंटरनेट कैफे का आप नाम लिख दीजिए कि कहाँ पे है, हाँ। तो वैसे करके हम लोग कुछ भी, जैसे हम लोग इंटरनेट कैफे, अगर कोई स्पेसिफिक इंटरनेट कैफे का बात किए कि इसी, जैसे कि मान लीजिए पुणे के इंटरनेट कैफे का बात किए हम लोग, कि पुणे के इंटरनेट कैफे के बारे में कुछ हम लोग बताना चाहते हैं, तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। और भी है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर कमेंट लगाना चाहते हैं कार्ट्रीज के ऊपर, कि कार्ट्रीज के बारे में हम लोग थोड़ा कुछ ज़्यादा बताना चाहते हैं, तो अगर कार्ट्रीज के ऊपर हम लोग मतलब कार्ट्रीज को सेलेक्ट किए और कमेंट पर क्लिक करेंगे, और कार्ट्रीज के बारे में आपको जो भी लिखना हुआ है लिख सकते हैं कि कार्ट्रीज क्या है, कार्ट्रीज क्या है, तो कंटेनर ऑफ इंक है जिसमें कि इंक रखा जाता है प्रिंटर का, उसको बोल सकते हैं, ऐसे यहाँ लिखा ही हुआ है पहले ही। उसके बाद मतलब और भी ज़्यादा कुछ अब बताना चाहते हैं कौन सी कंपनी का है, जैसे कार्ट्रीज लाइक कैनन, हाँ लाइक कैनन, इप्सन, ये सब कंपनी का कार्ट्रीज आता है, तो आप ये सब भी ये नॉन प्रिंटिंग होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये प्रिंटिंग एरिया तो हम लोग का यहाँ से यहाँ तक है, और ये कमेंट जो है ये नॉन प्रिंटिंग है, मतलब कि ये प्रिंट नहीं होंगे। अगर आप किसी को सॉफ्ट कॉपी अगर आप इसका दीजिएगा तो ये प्रिंट होगा, मतलब प्रिंट का डिस्प्ले होगा, लेकिन ये प्रिंट नहीं होगा। अगर आपको डिलीट करना है तो बस कुछ नहीं है, बस आप कमेंट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद रिव्यू टैब पर जाइए। रिव्यू टैब पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आता है, डिलीट का ऑप्शन में अगर आप क्लिक करिएगा, अगर ये ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कीजिएगा, देखिए एक ऑप्शन आता है डिलीट और एक आता है डिलीट ऑल कमेंट्स। अगर आपको सिर्फ ये कमेंट को डिलीट करना है तो डिलीट का ऑप्शन यूज मतलब इस पर क्लिक कीजिए, अगर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी कमेंट्स हैं सबको डिलीट करना है, डिलीट ऑल कमेंट्स इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सारे के सारे कमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। तो ये था हम लोग का कमेंट्स ग्रुप, और ऐसे हम लोग कमेंट्स को लगा सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का ग्रुप है वो है हेडर एंड फुटर का। अब जैसे कि नाम ही पता चल रहा है, नेक्स्ट जो हम लोग का ग्रुप है वो है हेडर एंड फुटर। अब जो हम लोग, जैसा कि नाम ही पता चल रहा है कि हेडर यानी कि क्या, कि हेडिंग, किसी भी पेज का हेडिंग, और हेडिंग तो हम लोग टाइप भी कर सकते हैं मैन्युअली, तो फिर इसका जरूरत कहाँ पड़ा, या फुटर यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट का बॉटम, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट यानी कि पेज का बॉटम को हम लोग फुटर बोलेंगे, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को हर एक डॉक्यूमेंट में यानी कि एक डॉक्यूमेंट के हर एक पेज पे सेम हेडर देना होता है और फुटर भी मतलब देना होता है। सेम हेडर का मतलब कि हेडिंग, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी का नाम है तो हर एक पेज पर कंपनी का नाम, तो बार बार हम लोग को टाइप ना करना पड़े, वहाँ पर ये ऑप्शन बहुत यूज में आ जाता है, ठीक है। और हेडर कुछ डिजाइन के साथ भी आता है जो कि आपको मतलब कि पहले से प्रीमेड है, तो आपको डिजाइन बार बार करने की जरूरत भी नहीं है। आप जैसे ही हेडर पे क्लिक करोगे ना तो इतना मतलब बहुत सारा तरह का आपको हेडर यहाँ पर मिलता है, ठीक है। आप जिस भी हेडर को आप सेलेक्ट करोगे वो हेडर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, और हेडर का खासियत ये है कि ऑटोमेटिक ये सारे पेजों पर अप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए हम ये वाला हेडर हम लोग सेलेक्ट किए, तो ये वाला हेडर हम सेलेक्ट किए, उसके बाद देखिए हेडर एंड फुटर टूल्स करके यहाँ खुल गया, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइटल करके आ गया। अगर मैं आप कुछ डॉक्यूमेंट टाइटल लिख देते हैं, जैसे हम लिख देते हैं मान लीजिए, तो अब क्या है कि आप जैसे हम लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखिए अबाउट प्रिंटर्स, तो इस डॉक्यूमेंट के और देखिए ये अबाउट प्रिंटर्स लिख के उसके बाद क्या करना है आपको, बस यहाँ पर क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो हेडर और फुटर तो आपका क्लोज हो गया, लेकिन अब आपके डॉक्यूमेंट के हर एक पेज पर जो है वो अबाउट प्रिंटर्स करके हेडिंग आ गया। अभी हम लोग को हर एक पेज पर बार बार हेडिंग बनाने का या फॉर्मेटिंग करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर हेडर का ऑप्शन के थ्रू आ गया। अगर आपको इसको एडिट करना है तो डबल क्लिक करिए और फिर से वही हेडर एंड फुटर टूल आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी इंसर्ट करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई पिक्चर्स डालना है तो आप यहाँ पर पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, और डेट एंड टाइम सब कुछ है यहाँ पर आपको, जैसे या फिर आपको हेडर का डिज़ाइन भी चेंज करना है फिर से यहाँ पर क्लिक करके, और उसके बाद आपको जो भी डिज़ाइन पसंद है वो डिज़ाइन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे तो यहाँ पर अभी कुछ खास दिख नहीं रहा, आपको मान लीजिए ये पसंद है तो आप ऐसा करके ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है इंसर्ट में वो है फुटर का। हेडर के जैसा ये भी है, हर एक पेज पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, और जो पेज के नीचे हम लोग को बहुत बार वो क्या पेज नंबर और ये सब का लिखने का जरूरत पड़ता है, वो ऑटोमेटिक हर एक पेज पर ये ले आएगा, वो लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे ये पेज का दिख रहे हैं, ये पेज अगर आपको दिख रहा होगा तो जैसे मान लीजिए हम ऐसा ये वाला
ये वाला फुटर अगर लिए, फुटर पे क्लिक किए तो ऑटोमेटिक देखिए फुटर यहाँ पर जो भी कंप्यूटर का नेम है वो आ गया और विथ पेज नंबर। तो हर एक पेज पर ये पेज नंबर ऑटोमेटिक जो है आ गया होगा, हम लोगों को इसके लिए कोई भी मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो बार बार जो होता है डॉक्यूमेंट में आपको एक ही अगर हेडिंग देना है या एक ही आपको फुट लाइन देना है, फुटर देना है, तो आपको वहाँ पर ये हेडर और फुटर बहुत यूजफुल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हेडर एंड फुटर में है वो है पेज नंबर। अब ये पेज नंबर क्या है, पेज नंबर है। अगर आपको पेज नंबर डालना है अपने पेज डॉक्यूमेंट में तो डाल सकते हैं। जैसे टॉप यहाँ पर आप पेज नंबर पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आप देखिए टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, यहाँ पर दिखा भी रहा है कि आपको कहाँ पर पेज मार्जिन, आपको जहाँ पर भी लगाना है। मान लीजिए आप टॉप ऑफ द पेज पर लगाना चाहते हैं, टॉप ऑफ द पेज पर क्लिक करने के बाद टॉप ऑफ द पेज में कहाँ लगाने, जैसे देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट में, ये सेंटर में है और ये राइट अलाइनमेंट में, तो आपको जहाँ भी प्लेस करना है। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये टॉप ऑफ द पेज के सेंटर में ऐसा पेज नंबर लिखा रहे, तो हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए जो पेज नंबर है वो कहाँ चला गया, वो आपका टॉप ऑफ द पेज के सेंटर में चला गया। अच्छा, एक फुटर के साथ भी पेज नंबर है, वो अलग पेज नंबर है, वो तो फुटर के साथ ही रह जाएगा, लेकिन हम पेज नंबर अलग स्पेसिफिक हम लोग पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इंसर्ट का ये पेज नंबर हम लोग ऐसे करके कंप्लीट किए। अगर आप उसको रिमूव करना है तो रिमूव पेज नंबर पर क्लिक करिएगा, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट जो ग्रुप है उसका नाम है टेक्स्ट। टेक्स्ट ग्रुप नाम ही है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग को कमांड्स मिलने वाले हैं। तो पहला जो कमांड है वो है टेक्स्ट बॉक्स का। ये टेक्स्ट बॉक्स क्या है, ठीक है, तो बहुत बार ना हम लोग अगर आप बुक्स पढ़ोगे मतलब पढ़ते ही हैं तो बहुत सारा चीज़ मतलब कि कंटेंट तो लिखा ही है लेकिन कुछ एक स्पेशल बॉक्स में बना के और कुछ टेक्स्ट लिख देता है। तो हम लोग का मतलब जब हम लोग पेज पलटाते हैं तो देखते हैं कि कंटेंट पढ़े ना पढ़े लेकिन वो छोटा वाला बॉक्स में यानी कि टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखा हुआ है वो जरूर पढ़ लेते हैं, मतलब वो क्विक सी कंटेंट एक तरह से आप उसको बोल सकते हैं। तो अगर आप टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करिएगा तो आपको उस इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स मिलता है कि बहुत बार हम लोग को जरूरत पड़ता है सिंपल टेक्स्ट बॉक्स और इतने तरह का टेक्स्ट बॉक्स। अगर आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स आप लोगे, मान लीजिए हम सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ये वाला टेक्स्ट बॉक्स लिए, टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद आप इसके अंदर जो भी लिखना है तो क्या लिखा हुआ है, ग्रैब योर रीडर्स अटेंशन विद अ ग्रेट कोट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट और यूज दिस स्पेस टू एम्फसाइज अ की पॉइंट टू प्लेस दिस टेक्स्ट बॉक्स एनीवेयर इन द पेज जस्ट ड्रैग इट। आप लोग टेक्स्ट बॉक्स का फायदा क्या है कि हम लोग इसको कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, हम लोग इसको कहीं पर भी डॉक्यूमेंट में ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन ड्रैग करने के लिए हम लोग इसको कहीं पर भी डॉक्यूमेंट में ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन ड्रैग करने के लिए आपको इसके ये जो इसका लाइन है उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ लाइन पर आप लेके आइएगा तो ऐसा चार एरो बन जाएगा और उसके बाद इसको क्लिक करके लेफ्ट और उसके बाद आप जहाँ चाहो इसको वहाँ पर रख सकते हो और इसके अंदर जो भी आपको स्पेशल नोट लिखना हो तो वैसा करके आप लिख सकते हो। ये आपका डॉक्यूमेंट को भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो हाइड हो जाएगा, देखिए ये डॉक्यूमेंट के बीच में से अपना जगह बना ले रहा है, ये काम होता है आपका टेक्स्ट बॉक्स का। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स का और भी बहुत तरह का टेक्स्ट बॉक्स है आपका, यहाँ पे आप यहाँ क्लिक करिएगा ना तो दिख जाएगा, देखिए ये वाला टेक्स्ट बॉक्स, ये भी आप करना कुछ भी नहीं है बस यहाँ पर और उसके बाद इसको जहाँ भी आप चाहो वहाँ रख सकते हो। ठीक है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। तो ये था टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट जो कमांड है, नेक्स्ट जो हम लोगों का ऑप्शन है वो है क्विक पार्ट्स का, टेक्स्ट ग्रुप के अंदर क्विक पार्ट्स। अभी क्विक पार्ट्स क्या होता है और इसका यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए क्विक पार्ट्स जो है ना वो एक्चुअल में यूज होता है जब हम लोग को बार बार फ्रीक्वेंटली कोई टेक्स्ट बार बार लिखना पड़ रहा है तो क्विक पार्ट्स में हम लोग सेव करके रख सकते हैं और वो टेक्स्ट को हम लोग बार बार वहाँ से यूज कर सकते हैं। या फिर कोई वर्ड हमको बार बार लिखना पड़ रहा है या फिर हम लोग कुछ फुल फॉर्म जो है वो बार बार लिखना पड़ रहा है, मतलब जैसे कि मान लीजिए पीसी हमको पूरा कंप्यूटर लिखना पड़ रहा है, पर्सनल कंप्यूटर, और हम चाहते हैं कि सिर्फ पीसी लिखें और वहाँ पर्सनल कंप्यूटर लिखा जाए तो ये इसके थ्रू क्विक पार्ट्स के थ्रू क्विकली हो जाता है। नाम ही क्विक पार्ट्स है तो ईजिली हो जाता है। जैसे देखिए कि हम लोग अभी ये जो डॉक्यूमेंट है ये प्रिंटर के ऊपर है तो जाहिर सी बात है प्रिंटर के ऊपर है तो बहुत बार यहाँ पर प्रिंटर वर्ड यूज हुआ है, प्रिंटर बहुत बार यूज हुआ है। तो क्विक पार्ट्स के थ्रू हम लोग अगर हम लोग जैसे कि जब ये डॉक्यूमेंट मान लीजिए टाइप कर रहे हैं तो हर बार हम लोग को प्रिंटर्स ना लिखना पड़े तो उसके लिए हम लोग क्विक पार्ट्स का वहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो करना क्या है कि आपको जैसे कि जो भी वर्ड है आप चाहते हैं कि सिर्फ हम पी टाइप करें और प्रिंटर टाइप हो जाए, हम सिर्फ पी लिखें और वहाँ प्रिंटर टाइप हो जाए इस बार डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए क्या करिए आप प्रिंटर्स जहाँ भी लिखा हुआ है आप एक जगह को पहले सेलेक्ट कर लीजिए,
प्रिंटर को सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए क्विक पार्ट्स, ये इंसर्ट टैब के अंदर ये क्विक पार्ट्स जो है इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है ऑटो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये पूछेगा कि ये जो आपको कौन से नाम से सेव करना है, तो अभी आप मान लीजिए आप प्रिंटर को यहाँ प्रिंटर हेड में दीजिएगा तो यहाँ पर आप तो वो काम नहीं करेगा, यहाँ पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर पी कर देना है, पी कर देना है और पी करने के बाद उसको ओके कर देना है। अब जैसे ही ओके कर दिए हम लोग, अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग को प्रिंटर वर्ड टाइप करना रहेगा, जैसे मान लीजिए हम लोग को यहाँ पर कहीं प्रिंटर वर्ड टाइप करना है, यहाँ पर कहीं हम लोग प्रिंटर वर्ड टाइप करना है, तो करना कुछ नहीं है, बस आपको पी टाइप करना है और अपने कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करना है। जैसे ही F3 बटन प्रेस करेंगे तो हम लोग वहाँ पहले से पी जो वर्ड है उसको असाइन कर दिए हैं कि जब भी पी हम लोग टाइप करें और F3 प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रिंटर आ जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग कुछ कुछ असाइन करके पहले से रख देंगे तो क्या हो जाएगा कि हम लोग को आसान रहेगा कि हम लोग को बार बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ लिखेंगे पी और उसके बाद हम F3 बटन प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ प्रिंटर लिखा जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्विक पार्ट्स का यूज करते हैं। आप इसको हम लोग सिटीज के नेम के लिए या फुल फॉर्म्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम और एक फुल फॉर्म आपको LCD का फुल फॉर्म लिखते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हम चाहते हैं कि हमको बार बार ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ना लिखना पड़े, हम सिर्फ LCD लिखें और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यहाँ पर शो हो जाए। तो आपको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये जो लिखे हैं इसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप चाहिए क्विक पार्ट्स, क्विक पार्ट्स में जाने के बाद यहाँ जाइए सेव सिलेक्शन, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ नेम में लिख दीजिए आप LCD लिख दीजिए और ओके कर दीजिए। और उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम से आप जब भी आप LCD ऐसा लिख के और उसके बाद आप F3 प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक मिनट एक बार और करके दिखाते हैं आपको, हम लिखे LCD और उसके बाद हम F3 प्रेस किए, देखिए क्या लिखा गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ऐसा हम लोग का यूजफुल रहता है ये क्विक पार्ट्स। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट ये हम लोग का मतलब वर्ड के ऊपर आर्ट का काम करना, यानी कि वर्ड के ऊपर अगर हम चाहते हैं कि कुछ फॉर्मेटिंग हो, कुछ आर्टिस्टिक फॉर्मेटिंग हो, तो यहाँ पर हम लोग वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हैं। वर्ड आर्ट में बहुत सारा पहले से वर्ड आर्ट हम लोग का दिया हुआ रहता है, जिसको आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा योर टेक्स्ट हियर, इस पर आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आप जो भी लिख दीजिएगा वो सेम उसी फॉर्मेटिंग में लिखा जाएगा, जो भी लिख दीजिएगा वो सेम इसी फॉर्मेटिंग में लिखा जाएगा। आप इसका देखिए और एक चीज़, जैसे वर्ड आर्ट पे हम लोग ये लिखे हुए हैं तो यहाँ पर देखिए ड्राइंग टूल फॉर्मेट टैब ये खुल गया और इसके बाद आप इसमें जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहें, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप इसका देखिए कलर चेंज कर सकते हैं, आप इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, आप इसका टेक्स्ट फिल चेंज कर सकते हैं। देखिए बस क्लिक करना है, देखिए टेक्स्ट फिल यहाँ पर कौन से कलर से फिल करना है, देखिए वो भी आपको दिख जाएगा। ये पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि ये पूरे में फिल हो और उसके बाद आपको जो भी कलर से फिल करना है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। आउटलाइन आपको कौन से कलर का देना है, ठीक है, तो ऐसे करके आपको जो भी कलर का आउटलाइन देना है, इफेक्ट अगर कुछ डालना है, ग्लो रोटेशन ऐसा कुछ इफेक्ट डालना है तो इफेक्ट भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह का भी आप इफेक्ट यहाँ डाल सकते हैं, ग्लो डाल सकते हैं, ये देखिए इस तरह का अगर आपको डालना है तो ये ऐसे आप कर सकते हैं। किसके थ्रू, वर्ड आर्ट के थ्रू। यहाँ भी बहुत सारा ऑप्शन है, अगर आपको ये टेक्स्ट जो भी लिखे हैं इसको आपका पोजीशन चेंज करना है, देखिए यहाँ बगल में एक ऑप्शन आता है लेआउट का और टेक्स्ट टाइपिंग का, देखिए यहाँ टेक्स्ट टाइपिंग का, अगर आप इसको थ्रू कर दीजिएगा थ्रू, तो आप इसको फिर यहाँ पर माउस पॉइंटर रखने के बाद ऐसा 4 एरो बन जाएगा, उसके बाद आप कहीं पर भी इस डॉक्यूमेंट में आप इसको ले जाके रख सकते हैं कहीं पर भी। ये अगर आप इसको टेक्स्ट टाइपिंग में थ्रू कर दीजिएगा तो इसको कहीं पर भी ले जाके रख सकते हैं। टेक्स्ट टाइपिंग का ऑप्शन देखिए यहाँ पर भी आता है, रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट में आपको ये थ्रू बस सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आप इसको कहीं पर भी प्लेस ले जाके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हम लोग का वर्ड आर्ट का ऑप्शन। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ड्रॉप कैप। अभी ड्रॉप कैप क्या है, बहुत बार आप लोग देखे होंगे बुक्स में कि फर्स्ट जो लेटर होता है, मतलब फर्स्ट लेटर वर्ड का, ये पूरा का डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट लेटर होता है वो उसका लार्ज होता है, वो उसी को बोलते हैं, वो उसी इफेक्ट को ड्रॉप कैप आप बोल सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर ड्रॉप कैप ऐसा करके कुछ ऑप्शन आएगा, ड्रॉप और इन मार्जिन यानी कि वो मार्जिन में चला जाएगा, जो पहले जो लेटर है वो मार्जिन में चला जाएगा। तो अगर आपको ऐसा रखना है या फिर आपको ड्रॉप में मतलब मार्जिन के अंदर रखना है तो आप इसको ऑप्शन को ऐसा यूज कर सकते हैं, बाहर रखना है तो ऐसे।
ठीक है। तो ये सिर्फ फर्स्ट वाला जो जैसे प्रिंटर का जो फर्स्ट लेटर पी है उसी को ये ऐसा बड़ा करेगा। तो ये था ड्रॉप कैप का ऑप्शन। नेक्स्ट है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है सिग्नेचर सेटअप का, जिसके अंदर आपको सिग्नेचर सेटअप कर देना है कि सिग्नेचर का साइन जो करेगा सजेस्ट साइनर, यहाँ पर साइनर का नाम, उसके बाद उसके उसका टाइटल है ना, वो यानी कि पद या फिर टाइटल जो भी आप बोल सकते हैं वो यहाँ पर, और ईमेल एड्रेस, ये तीनों फिल करके, और उसके बाद अगर आप जब भी इस पर क्लिक करोगे तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लिख दिए सिद्धार्थ और ऐसा मैनेजर करके ऐसा ओके कर दिए तो ये ऑप्शन देखिए आ गया मैनेजर सिद्धार्थ, और ये मतलब क्या हो गया सिग्नेचर आ गया। और इसका भी सेम ऑप्शन है, अगर आप इसको देखिए इसको आप क्लिक करोगे या पिक्चर टूल खुल जाता है, और यहाँ रैप टेक्स्ट पर जाके आप इसको भी थ्रू कर दीजिएगा तो आप इसको भी कहीं भी डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह पर ले जाके रख सकते हैं। तो ये ऑप्शन था जिसके थ्रू हम लोग सिग्नेचर इंसर्ट किए सिग्नेचर में। उसके बाद ऑप्शन डेट एंड टाइम का। डेट एंड टाइम पर क्लिक करने के बाद देखिए इतना सारा का डेट एंड टाइम का फॉर्मेट आ जाता है, जो भी डेट है वो आ जाएगा और विथ टाइम भी आ जाएगा। अगर आपको सिर्फ डेट करना है तो आप सिर्फ डेट जैसे 15 अगस्त 2022 ये सिर्फ इंसर्ट करना है, बस इस पर क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। अच्छा ये इंसर्ट कहाँ होगा, ये इंसर्ट उसी जगह पर हो जाएगा जहाँ पर आपका कर्सर था। जैसे मेरा कर्सर यहाँ पर था तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आके इंसर्ट हो गया। अगर हमको यहाँ पर इंसर्ट करना है मान लीजिए तो हम पहले कर्सर को हमको यहाँ पर रखना होगा, उसके बाद हमको डेट एंड टाइम में जैसे मान लीजिए ये और ओके, अब यहाँ पर हम लोग का डेट एंड टाइम। और उसके डेट एंड टाइम के साथ और एक सीन है कि डेट एंड टाइम पर अगर जब आप कर रहे हैं तो यहाँ देखिए अपडेट ऑटोमेटिकली, अगर आप इस पर क्लिक करके रख दीजिएगा तो आप जब भी डॉक्यूमेंट को ओपन कीजिएगा तो उस समय का जो डेट एंड टाइम है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम अपडेट ऑटोमेटिकली पर नहीं किए यानी कि ये अपडेट अब नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या करता है, जब आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करोगे तो ऑब्जेक्ट क्या करता है कि अगर आपको कोई न्यू ऑब्जेक्ट चाहिए जैसे कि मान लीजिए एक्सेल का चार्ट चाहिए तो आप एक्सेल का चार्ट यहाँ पर ऑप्शन में लिए और ओके किए तो अब क्या होगा कि आपका उसी जगह पर जहाँ कर्सर था वहाँ पर एक्सेल का एक चार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करके कुछ ऑब्जेक्ट आप चाहो तो डाल सकते हो, चार्ट डालो, उसके बाद देखिए हम शीट है ये आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट में फिर से देखिए आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, मान लीजिए आप वर्ड डॉक्यूमेंट अगर आपको यहाँ पर कोई डालना है तो वर्ड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिएगा और ओके कीजिएगा तो यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट एक ओपन हो जाएगा। तो ऐसे करके ऑब्जेक्ट का यूज हम लोग करते हैं। अगर इतना दूर तक आप वीडियो देख लिए हैं तो आशा करते हैं कि आप जरूर कुछ इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप लाइक कर दीजिएगा तो हम लोग को भी थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे कि हाँ वीडियोस जो है वो लोगों तक पहुंच रहे हैं और मतलब आप लोग उससे हेल्पफुल हो रहा है, आपको कुछ हेल्प हो रहा है उससे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे हम लोग को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और ये इंसर्ट टैब का लास्ट ग्रुप है जिसका जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंबल्स। अब पढ़ेंगे हम लोग सिंबल्स। सिंबल्स में जो पहला ऑप्शन है वो है इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्या है, तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट, और उसके बाद हम लोग इंसर्ट टैब के अंदर इक्वेशन पर हम लोग बहुत बार हम लोग को वर्ड में मैथ्स का फॉर्मूला या फिर मैथ्स का फॉर्मूला या फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब का फॉर्मूला या क्वेश्चंस ये सब टाइप करना रहेगा। जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे वो समझ पा रहे होंगे बहुत क्लियरली, तो वो हम लोग कैसे करेंगे उसके लिए यहाँ पर इक्वेशन टैब बहुत ही यूजफुल हो जाता है। इक्वेशन टैब पर आप जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे, अच्छा इक्वेशन के नीचे यहाँ एक छोटा सा ड्रॉडाउन एरो, इस पर आप क्लिक करोगे तो बिल्ट इन जो इक्वेशन है कुछ पहले से वही आपको यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। और लेकिन इनमें से नहीं चाहिए, आपको खुद से कुछ इक्वेशन टाइप करना है तो उसके लिए आपको इक्वेशन पर क्लिक करना होगा, ये जो पाई का साइन बना हुआ है इस पर आप क्लिक करोगे तो वैसे ही आपका जो है यहाँ पर टाइप इक्वेशन है, जहाँ पर भी आपका कर्सर था वहाँ पर इक्वेशन का ये बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पर आपका टोटल जो है ना इक्वेशन टूल खुल जाएगा, ये टोटल चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए बहुत बार अपने को मान लीजिए पाई बाय 4 ऐसा कुछ टाइप करना है तो उसको टाइप करने के लिए यहीं पर ये स्ट्रक्चर्स सारे पहले से दिए हुए हैं, देखिए फंक्शंस है, स्क्रिप्ट है, रेडिकल है, इंटीग्रल है। जैसे फ्रैक्शन में चाहिए तो फ्रैक्शन में देखिए हम लोग फ्रैक्शन में क्लिक किया, फ्रैक्शन में क्लिक करने के बाद ऐसा ही छोटा छोटा दो स्मॉल बॉक्स आ गया, ऊपर वाले बॉक्स में हम लोग को पाई लिखना है तो पाई लिखने के लिए पाई का एक
आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि पाए जो साइन सिंबल है पाए का, वो ना कीबोर्ड पे है और ना अब तक हम लोग को कहीं दिखा, लेकिन पाए का सिंबल आपको यहाँ मिल जाता है इक्वेशन के अंदर। यहाँ क्लिक कीजिएगा तो देखिए इसके अंदर आपको पाए का, देखिए यहाँ पर पाई है, पाई पर क्लिक किए तो देखिए ये ऊपर वाला बॉक्स पे हम लोग क्लिक किए हुए थे तो यहाँ पर पाई आ गया। नीचे में अगर 4 लिखना है तो आप मैनुअली 4 टाइप कर दीजिए तो ऐसे देखिए पाई बाय 4 ऐसा करके आ गया। उसका मान लीजिए लिखना है, उसके बाद मान लीजिए ऐसा कुछ लिखना है, फिर से हम लोग इंसर्ट पे क्लिक किए, इक्वेशन पे क्लिक किए और मान लीजिए अभी फिर से फ्रैक्शन चाहिए और यहाँ पर हम लोग लिखना है 360 बाय 120 ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये तो हम लोग लिख दिए 360 बाय 120, लेकिन बार 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 जितना बार हम लोग को इक्वेशन लिखना पड़ रहा है ना, बार बार हम लोग को वहाँ पर इंसर्ट टैब पर क्लिक करना पड़ रहा है, फिर इक्वेशन पर। इसका शॉर्टकट भी है, अल्ट के साथ आप इक्वल्स टू दबाएंगे, इक्वल्स टू जो बैक स्पेस के बगल में जो होता है, इक्वल्स टू अल्ट के साथ आप इक्वल्स टू दबाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका इक्वेशन टूल बार बार खुल जाएगा, आपको बार बार माउस से क्लिक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन पाई का, फाई का, म्यू का है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सबका आपका यहाँ पर मिल जाता है, जो क्या है सिंबल है वो मिल जाता है। ब्रैकेट्स आपको सारे मिल जाते हैं, जितना तरह का ब्रैकेट आपको यूज करना है वो आपको मिल जाते हैं। और उसके बाद अगर आपको जैसे √4 √5 ऐसा कुछ लिखना है तो ये देखिए स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऐसा करके पहले से मिला हुआ है और आप चाहें तो फिर उसमें अपने से चेंज भी कर, जैसे स्क्वायर रूट हम लोग यहाँ लिख दिए, यहाँ √√25 ऐसा कुछ लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप बोलिएगा, अगर आप आपको रिक्वायरमेंट रहेगा तो हम आपको इसका अलग से एक वीडियो बना देंगे इक्वेशन के ऊपर कि हम लोग मतलब कि बहुत तरह का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सिंबल्स का। सिंबल्स पर आप क्लिक करने के बाद बहुत सारा सिंबल हम लोग को यहाँ पर पहले से मिल जाता है। अगर इसमें से कोई सिंबल आपको चाहिए, चिन्ह कोई चाहिए तो अगर आपको इसमें से अगर आपको चिन्ह चाहिए तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, बस आपको उसको क्लिक करना है और यहाँ पर आ जाएगा। देखिए जैसे ट्रेडमार्क का हम जैसे क्लिक करेंगे तो जहाँ मेरा कर्सर था वहाँ देखिए ऑटोमेटिक ट्रेडमार्क का चिन्ह आ गया। सिंबल पे क्लिक करने के बाद देखिए मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे तो बहुत तरह का हम लोग को यहाँ पर चिन्ह मिल जाता है, आपको जो भी चाहिए उसको आप यूज कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए ये वाला चाहिए तो हम लोग इंसर्ट करेंगे और यहाँ ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंसर्ट ऐप। तो हम लोगों ने इंसर्ट टैब को पूरा पढ़ लिया, इनके सारे ग्रुप्स देख लिए और उसके यूजेस देख लिए। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ फायदा हुआ होगा। अगर फायदा हुआ है तो प्लीज जरूर कुछ कमेंट करें जिससे हम लोग कुछ मोटिवेट हों। जय हिंद, जय भारत।